नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, रेगुलरली हम लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक गिरावट का जो है दौर अभी चल रहा है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल था दोस्तों वो था आपका 61% का, ठीक है। और ये टच नहीं होना चाहिए था कौन से लेवल में, कौन से मतलब इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में। और निफ्टी की तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोस के अंदर कि पांचों वेव जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं एलियट वेव के हिसाब से। तो इसके अंदर जो निफ्टी के अंदर तो गिरावट बनती है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट अभी बनती है कि नहीं बनती वो डिपेंड करता है कि 61% का लेवल जो है वो टच हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो फ्राइडे है वहाँ पर 61% का लेवल टच हो चुका है। तो अब आगे क्या, फटाफट से देख लेते हैं। तो पहले हम निफ्टी की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम बैंक निफ्टी की चर्चा पे आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये काफ़ी ज़्यादा लेवल्स लगा रखे हैं मैंने, ठीक है। तो ये मेरी खुद की स्टडी है वैसे तो, बट अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं, फ्रेश चार्ट ले लेते हैं और हमने क्या चर्चा की थी वो देख लेते हैं। तो फ्रेश चार्ट जो है वो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। वो चर्चा की थी ना हमने, हम वो डिस्कस करेंगे। इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। और हम देख लेते हैं हमने क्या चर्चा की थी। तो डिस्कशन यही था हमारा, क्या डिस्कशन था, ये वनडे का चार्ट है। डिस्कशन सिंपल था हमारा कि इसके अंदर हमारी टोटल पांच वेव कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, हो चुकी है ना, बताया था ना आपको। फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई डन हो चुकी है, ठीक है, क्लियर। तो आपको बताया था, क्या बताया था, कि आपका मार्केट जो है ना ये 81% डन। तो आपका मार्केट जो है वो गिरावट में तो आएगा, करेक्शन वेव में चल रहा है निफ्टी में, क्लियर। और आपको ये समझना था, क्या समझना था, जब हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, मुझे एक मिनट का टाइम दे दीजिए कि चार्ट में मेरे लेवल्स वही निकले हैं कि नहीं निकले, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम जो बात हुई थी उसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तभी हम आगे पहुँचेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने क्या लास्ट टाइम बात की थी उसको छोड़ दो और फिर आ जाओ, ऐसा नहीं। जी, तो हमने ये लेवल्स नहीं खींच रखे थे, नहीं खींचे थे ये वाले लेवल्स, हमने इसको हटा देते हैं। हमने जो खींच रखे थे, क्योंकि मैंने अपना जो लास्ट टाइम की स्टडी थी ना वो मैंने आपको शेयर की थी चार्ट के साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो इसलिए रिमाइंड करना आसान होता है, इसलिए मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने ये लेवल्स खींच रखे थे, कौन से, ये वाले, ठीक है ना, जाके क्रॉस चेक कर लेना, यही लेवल खींच रखे थे हम लोगों ने। डन, इसको लॉक कर लो। तो हमारा कहना क्या था कि मार्केट देखो ये 23% है ना, तो हमारा कहना है इसको राइट लेवल पे कर लेते हैं, जो हमने डिस्कशन किया था। सब कुछ आपके सामने ही कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे अपने दिमाग से कुछ भी कर रहा हूँ, नो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। राइट कर लेते हैं इसको, डन। तो भैया आपके सामने कर रहा हूँ मैं सब कुछ। तो हमारा क्या स्टडी था, हमारा स्टडी ये था सिंपल सा कि मार्केट जो है यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि ये तो पांच मूव पूरे हो चुके थे। अब हमारा स्टडी क्या था कि ये है ए,
ये है बी, ये है सी और ये बन रहा है अब यहाँ पे डी। तो डी बनने के लिए मार्केट को 25,000 का लेवल, ठीक है एक मिनट रुको, तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो स्टडी कर रखी थी वो ख्याल रखना। तो हमने स्टडी क्या कर रखी थी, हमने स्टडी कर रखी थी ये वाली कि ये हमारा है 1, ये हमारा है 2, ये हमारा कंप्लीट हो गया है 3, ठीक है अब कहीं ना कहीं हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा 4, क्लियर 4 बनेगा। 4 जो है वो कभी भी 23% फर्स्ट टारगेट होता है, सेकंड टारगेट होता है आपका 38%, क्लियर ये होता है। और फिर हमारा कहीं ना कहीं बनेगा फिफ्थ, वो उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो मार्केट में अगर यहीं से बाउंस करना था तो आपका 25,000 के लेवल के नीचे आपको नहीं जाना मार्केट को, पॉइंट समझना। अगर डी आपका मतलब यानी कि 4 वेव जो है आपका यहीं पन्ना है तो इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, 25,000 को सेव करना चाहिए। लेकिन हमारा मार्केट जो है वो तो चला गया, क्या हुआ वो चला गया ना इसके नीचे, ठीक है। तो 25,000 का लेवल हमारे मार्केट ने टच कर लिया और इसके नीचे मार्केट गया है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जो वेव 4 है वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अब इस लेवल के नीचे बनेगी जो कि अगला लेवल यहाँ पे आता है, ठीक है। और ये पूरी साइकिल का है, क्लियर कहानी समझ में आई। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये ए बी सी और ये डी, डी अब आपका यहाँ बनेगा, ठीक है क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो पॉइंट अब ये डी भी कैसे बनेगा, क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा नीचे की तरफ, आंसर इज नो। क्या आंसर है इसका, नो, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर नहीं आएगा तो कैसे आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा कैसे आएगा, ये आता है आपका 3 मूव में या 5 मूव में, क्लियर बात, ठीक है। तो टारगेट क्या निकल के आ रहा है अभी हमारा, यहाँ निकल के आ रहा है 24,200-300 के आसपास का, ठीक है। और ये जो है अभी सिंगल मूव में यहाँ तक आ गया, और सिंगल मूव में तो कभी भी कोई भी करेक्शन नहीं आता, तो क्या होगा यहाँ पर बनेगा ए बी और सी, 3 मूव में आएगा, 3 मूव में आएगा आपका क्या आएगा, जैसे कि 3 मूव में आएगा आपका यहाँ पे ए बी सी करके यहाँ तक आना चाहिए मार्केट। तो मार्केट अभी डी वेव में है लेकिन अभी नीचे के लेवल्स ओपन हो गए हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ तो डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे से एक बाउंस ड्यू है, यहाँ पर से एक बाउंस ड्यू है और इसके बाद जाके यहाँ पे मार्केट आना चाहिए, ठीक है। डी वेव चल रही है मार्केट के अंदर, इस साइकिल की चल रही है, याद रखना इस साइकिल की चल रही है, एक साइकिल और है मार्केट के अंदर, ठीक है। एक साइकिल और है मार्केट की, वो है आपकी यहां से 2020 से, यहां से तो यहां पर ए बी और ये सी। तो पहले हम छोटी साइकिल को देखेंगे, और छोटी साइकिल का अभी हम डी पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो अभी नीचे का ही है, क्लियर। और बड़ी साइकिल का जो डी है वो थोड़ा सा और नीचे आ रहा है, ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले इस साइकिल का डी पकड़ लेते हैं। और मैक्सिमम अब देखो डी वेव जो होती है ना, डी वेव, ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जानी चाहिए, 38 मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम उससे ज़्यादा यहाँ ये होता है 50, उससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है क्लियर। तो अभी ज़्यादा मत सोचो कि यहाँ यहाँ यहाँ, अभी ये मत सोचो, अभी जो करंट सिनारियो है, अभी जो करंट सिनारियो है
उसके हिसाब से आपका जो नीचे के लेवल्स हैं वो ओपन हैं, और वो नीचे के लेवल्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से एक ड्यू बचा है। क्या बचा है? एक बाउंस ड्यू है, उसके बाद ही ए बी और सी, इस तरीके से मार्केट आएगा। 24,200 के आसपास तक मार्केट आना चाहिए, और यही मार्केट का अभी पैटर्न बन रहा है। तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। पोजीशन दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर FIIs लोगों ने क्या किया है, टॉप के आसपास अपनी बुलिश पोजीशंस काटनी शुरू कर दी हैं। देखो यहाँ पे लगातार 4 दिन से मार्केट गिर रहा है, और लगातार 4 दिन से मार्केट में यहाँ पे बुलिश पोजीशंस कट रही हैं, लॉन्ग्स है ना, कट रहे हैं, नेगेटिव हैं, और यहाँ पर लगातार 3 दिन से यहाँ पर बेयरिश पोजीशंस बन रही हैं। तो यानी कि इन्होंने भी अपना काम चालू कर दिया है, ठीक है। तो अब इनका काम चालू है, तो यानी कि रिटेल बुलिश होगा। तो यहाँ पे देखो रिटेल बुलिश है कि नहीं, यस रिटेल बुलिश है, भर भर के बुलिश है। तो रिटेल बुलिश है यानी डाटा क्या है, बेयरिश है। तो ओवरऑल यहाँ पर 9.5 लाख से लगातार 4 दिन से पोजीशंस क्लोज कर दें, तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स भी नेगेटिव जा रहा है, यानी कि पोजीशंस कम हो रही हैं बुलिश वाली, ठीक है। तो ओवरऑल डाटा जो है वो अभी भी नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटिमेंट है, प्राइस एक्शन नेगेटिव ही है, और ये अब हम समझ चुके हैं। बात कर लेते हैं FIIs की पोजीशंस ओवरऑल कितनी ऑन एंड हैं। तो ओवरऑल इनकी पोजीशंस ये धीरे धीरे अब इन्होंने बेयरिश पोजीशन बनानी शुरू कर दी हैं, और बुलिश पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं, और यहाँ मार्केट आ चुकी है, और यहाँ तक की पोजीशन अभी इनकी होल्ड है। तो यहाँ से एक बाउंस आएगा, उस बाउंस में ये बेरिश पोजीशंस क्लोज नहीं करेंगे, और फिर यहाँ से मार्केट फिर नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे ए बी और सी जो ये मैंने डिस्कस किया है वो कंप्लीट होगा, और इस बाउंस में ये वाली पोजीशंस भी क्लोज होती नज़र आएंगी। इसकी डिस्कशन हम बाद में करते रहेंगे अपनी रेगुलर वीडियोस के अंदर, ठीक है। ये करंट पोजीशंस हैं, निफ्टी का पोजीशन मैंने दिखा दिया आपको जो अभी है, और वाइल्ड है, बड़ा मूव है, और अभी हम इस पैटर्न में बैठे हैं। तो अभी सिंपल है, एक बाउंस आएगा, ट्रैप मत होना, बाउंस में हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और वो बाउंस कल से आएगा, या फिर आएगा ट्यूसडे, या फिर वेडनेसडे से अगले हफ्ते में एक बाउंस ड्यू है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया, डन, आगे बढ़ते हैं। डाटा मैंने आपको दिखा दिया है। बैंक निफ्टी क्या कहती है, बैंक निफ्टी क्या कहती है? बैंक निफ्टी हमारी जो है, हमने आपको बोला था कि भाई यहाँ से जो ये चल रहा है इसको 61% के नीचे नहीं जाना चाहिए, और ये चला गया, देख रहे हो 61% के नीचे ये जा चुका है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो भाई सिंपल है, इसमें तो डी वेव अब नहीं बन रही, ठीक है। हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, हमने एक्सपेक्ट ये किया था कि ये है ए, ये है बी, और ये है सी, और यहाँ पर 61% टच नहीं करना चाहिए, डी बनेगी, और फिर यहाँ से बनेगी ई। तो अब डी तो नहीं बन रही यहाँ पर, ठीक है, नहीं बन रही ना, ए बी सी और डी यहाँ बननी चाहिए थी, और ई यहाँ बनती, लेकिन अब ये डी तो नहीं बन रही, नहीं बन रही डी, बहुत बढ़िया, कंफर्म हो गया ना हमको, नहीं बन रही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये साइकिल जो है वो अब यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगी, 5 मूव पूरे इसके, और होंगे भी तो वो वैलिड नहीं होंगे। अब आ जाओ इस वाली साइकिल पे, एक साइकिल यहाँ से चालू है ना, अब इस वाली साइकिल पे आ जाओ, इस वाली साइकिल को देख लो फटाफट से। इस वाली साइकिल के अंदर क्या है कि ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये आपका सी, और अब जो बन रहा है इस वाली साइकिल का डी, जैसे कि निफ्टी पे हमने देखा है, ठीक है। तो इसी साइकिल का अब आ जाओ फटाफट से, तो हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो वो कहाँ तक बन सकता है, रूल के हिसाब से आप जानते ही हो, 54,010, 90 हाई जो है इसका 467,35, तो इसका एग्जैक्ट लगा लेते हैं, 467,35 ये लो जी, ठीक है, डन। तो भैया अब हमारा जो ये है हमारा ए, इसको मार्क कर लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, अब कहीं ना कहीं 4 बनना चाहिए यहाँ पे, 38 के आसपास। तो 51,000 ये लेवल है, और इसको तोड़ता है तो फिर 4 यहाँ बनेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो लो है ना, ये बच जाना चाहिए। कौन सा लो की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले लो की बात कर रहा हूँ,
ये बच जाना चाहिए। नहीं बचता तो भाई मतलब फिर तो यहाँ पे आएगा 50,000, ठीक है। और इस साइड जैसे कि अभी जो साइकिल फेल हुई है ना, कौन सी वाली, ये वाली छोटी साइकिल ए बी सी, और ये फेल हो गया ना, डी फेल हो गया। तो अब याद रखना, इस बड़ी साइकिल में भी डी फेल होने के लिए 61% अगर टच हो जाता है तो फिर ये वाली साइकिल भी हमारी फेल हो जाएगी। बट हमको ट्रेंड तो कम से कम पता है ना, ट्रेंड तो कम से कम पता है ना। तो अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें फिर मैक्सिमम जा सकता है 50% मैक्सिमम, क्योंकि ये तो बिल्कुल इमीडिएट है। और अगर 61% गया तो ये वाली साइकिल भी फेल हो जाएगी, तो फिर हम इससे भी बड़ी साइकिल पकड़ेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इससे भी बड़ी साइकिल पकड़ेंगे। देखो क्या होता है, अब आप कहोगे तो फेल क्यों हो रहा है भाई, एलिट तो फेल नहीं होता। देखो क्या होता है, एक होती है लार्ज साइकिल, मैक्सिमम मतलब क्या कह सकते हो आप, मैक्स साइकिल बोल सकते हो उसको, लार्ज साइकिल जो 2020 से चालू है। एक्चुअली में उसका टाइम जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, उसका टाइम ख़त्म हो चुका है उस साइकिल का। कौन सी वेव का, वेव सी का, ठीक है। अब जो मैक्सिमम जो लार्ज साइकिल है ना, वो सबसे बड़ी 2020 के करंट लोग से बन रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, उस लार्ज साइकिल के पैटर्न को तोड़ पाना छोटी साइकिल के बस की नहीं होता। पॉइंट समझना, क्या आप 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, एक तो पॉइंट ये है कि भाई 5 मिनट के पे ट्रेड कर रहे हो, एक कर रहे हो आप वन डे पे ट्रेड, तो वन डे के लेवल्स को 5 मिनट वाला लेवल जो है वो आसानी से नहीं तोड़ पाता। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 मिनट का छोटा टाइम फ्रेम है, वो ये छोटी छोटी साइकिल हैं जो भी आपको मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई ये फेल हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके वही वाली बात है कि वन डे के लेवल्स को आपका 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, छोटी साइकिल का जो टाइम फ्रेम है, वो नहीं तोड़ पाता आसानी से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि सी वेव का जो बड़ी साइकिल जो 2020 से चालू हुई है, उसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, सी वेव पूरी हो चुकी है, वो मैं स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ और अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ कल डिस्कशन कर चुका हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपका ये छोटी छोटी जो साइकिल हैं, ठीक है, छोटी छोटी जो साइकिल हैं, अगर वो फेल होती हैं तो हम उसको नज़रअंदाज करेंगे, क्लियर। क्यों, क्योंकि हमें ट्रेंड तो पता ही है कि बड़ी साइकिल जो है वो 2020 वाली, उसका वेव सी जो है वो कंप्लीट हो चुका है एज़ पर द टाइम, टाइम साइकिल के हिसाब से, एलिट की जो टाइम साइकिल है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर ख्याल रखना, अभी करेक्शन चालू हुआ है और ये करेक्शन भी 1, 2 और 3 में ही जाएगा। अब ये 3 जो डी वेव बनेगी वो कहाँ बनेगी, अगर 61% के ऊपर गई तो इस वाली साइकिल को भी हम देखना बंद कर देंगे, फिर हम सबसे बड़ी लार्ज साइकिल देखेंगे। एक साइकिल और है जो रशिया वॉर से चालू हुई है, 15,183 वाली लो से, उस साइकिल को देखेंगे फिर हम, ठीक है। अभी जो ये इलेक्शन वाली साइकिल देख रहे हैं इसको तो हम नलीफाई कर देंगे अगर 61% टच कर गया तो, और फिर हम देखेंगे ये वाली साइकिल 15,183 वाली साइकिल, ठीक है। तो साइकिल के अंदर साइकिल चलती रहती हैं, और अभी जो ट्रेंड है सिंपल है, 1, 2, 3, 4 नीचे का ही है, और ये 4 जो होगा वो 3 मूव में आएगा, ए बी सी करके आएगा, ठीक है। और बाउंस में अभी बाय नहीं करना है, मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का है और ये पूरा क्लियर हो चुका है, और बाकी डाटा मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। और ये जो चार्ट है, ये लेवल्स जो हैं आपके, मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करना, और ऐसे मत ज्वाइन करना क्योंकि फेक चैनल बने हुए हैं मेरे नाम से, मेरी फ़ोटो भी यूज़ की जा रही है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर तो वीकली साइकिल आप जानते ही हो खतरनाक तरीके से बनी हुई है, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, रिलायंस में बनी हुई है भाई, हटाओ इसे, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको 5 मूव पूरे हो चुके हैं, ठीक है। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 और इसके अंदर ए बी सी चल रहा है, ए बी और सी, बात समझ में आई, ए बी सी चल रहा है, ठीक है। तो अब सी का टारगेट क्या हो सकता है, सी का टारगेट हो सकता है भाई आपका ये, जनरली 127% होता है, ठीक है। बट अगर 127% चला गया, जो कि जा चुका है, 127% चला गया और जा चुका है ये, तो इसका नेक्स्ट लेवल 161% होता है, 161%, ठीक है।
तो 2740 के आसपास है, और अगर ये गया जाता है तो नेक्स्ट लेवल 2668 बनेगा। तो इसके अंदर ए बी सी पैटर्न चल रहा है, ठीक है, और ये अभी वीक है। बात क्लियर हुई, समझ में आया? ठीक है, 3085, 3079। तो मैंने आपके लिए एनालिसिस कर दी है, अभी बाय नहीं करेंगे, बाउंस पे भी शायद हम बाय ना करें तो हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि तो अभी पैटर्न जो है वो डी वेव चल रही है, और डी वेव स्ट्रेट फॉरवर्ड ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। और अभी 1.61 का नेक्स्ट लेवल है, कौन सा, रिलायंस का, तो अभी सब कुछ डाउन ही है। HDFC बैंक का भी आपका लेवल कंप्लीट है, कौन सा, वीकली पे अगर आप देखोगे तो इसके भी डन हो चुके हैं, कौन से, 5 वेव पूरी हो चुकी हैं, देखो। दिखा आपको, दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ से ए बी सी डी और ई, 5 वेव पूरी हो चुकी है, इसका भी करेक्शन अभी डी हुआ है। तो अभी तो भैया करेक्शन HDFC बैंक का, रिलायंस का, निफ्टी का, सबका ड्यू है, तो इसलिए अभी मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस रहना, अब जो कंफर्मेशन भी मार्केट ने दे दी है, ठीक है। तो इसका भी अगर टारगेट निकालें हम, तो ये लो जो बनाए ना लास्ट स्विंग, इसको यहाँ से मैच कर लो, तो 127, इसके अंदर तो अच्छी वाली मतलब गिरावट अभी बाकी बची हुई है, तो इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे आएगा ए बी और फाइनली यहाँ तक 127, यहाँ तक ए बी सी पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है। सो बाउंस आएगा, सब में आएगा, रिलायंस HDFC निफ्टी बैंक निफ्टी सब में आएगा, क्योंकि ए बी सी पैटर्न में बी बनना है, ए चालू है, बी बनना है, तो उसके लिए बाउंस चाहिए, और बी के बाद सी आएगा नीचे की तरफ। तो मेरे ख्याल से अभी मार्केट में थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा क्रैश हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, लेकिन ठीक है अभी जो चल रहा है ना, जब अच्छा खासा मार्केट गिर जाएगा ना तो एक अपॉर्चुनिटी भी आएगी, बहुत बढ़िया आएगी, याद रखना, वो अपॉर्चुनिटी सकता है कुछ 1-2 महीना टाइम ले ले, लेकिन मज़ा आएगा उसमें, उस अपॉर्चुनिटी में मज़ा आएगा, और उस अपॉर्चुनिटी को भी हम अपने चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे पहले से पहले, याद रखना। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को डिस्कस कर लिया है प्रॉपर तरीके से ने मार्केट को, और बस अभी इतना ही, और मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चार्ट्स जो हैं मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, वीडियो लंबी